So let's do some question. Find all real values of A for which this inequality is negative for all x belongs to R. तो अब ये जो inequality है ये always negative होना चाहिए for any value of x. मतलब x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहां पे कुछ भी रखू मैं और ये नेगेटिव आना चाहिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ये पूछा जा रहा है ना. तो अब ये जो दिख रहा है मुझे, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए. तो अब ये तो क्वाड्रेटिक लग रहा है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव कब होता है? तो वो तो जब होता है जब ग्राफ नीचे डाउनवर्ड बनता है टोटली, तो मतलब जब ए नेगेटिव होता है और डी नेगेटिव होता है ना. बट इस क्वेश्चन में देखो कहीं भी ये बोला नहीं गया है कि ये क्वाड्रेटिक है ना. इस क्वेश्चन में कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये क्वाड्रेटिक है. तो इसका मतलब वो केस भी कंसीडर करेंगे कि सपोज ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है. तो अगर उस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है तो ये ऑब्वियस है कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता है. अगर वहां पर क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं हुआ है तो यहां तो फिर कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो भी हो सकता है. तो वो केस भी कंसिडर करेंगे. तो लेट सपोज कि ये क्वाड्रेटिक ही नहीं हो, केस वन. सपोज कि ए माइनस फोर का जीरो है तो ए का वैल्यू तो फोर हो गया. ओके तो ए इक्वल टू फोर पे क्या हो रहा है वो चेक करते हैं. तो ए इक्वल टू फोर पे इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एट एक्स है ना, और प्लस टू नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये जो निकल कर आ रहा है? अगर ऐसा होता कि ऑलवेज नेगेटिव होता तो फिर ए का वैल्यू फोर आंसर में होता फिर, क्योंकि ए इक्वल टू फोर के लिए अगर ये ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है तो फिर तो ये फोर आना चाहिए था, आंसर में आना चाहिए फोर. बट ये तो ऑलवेज नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है. यानी इस वाले केस से मुझे कुछ नहीं मिला. जब मैंने उसको ए इक्वल टू फोर लिया तो जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो ऑलवेज नेगेटिव नहीं आ रहा है. ओके और केस सेकंड क्या होगा कि सपोज ए नॉट इक्वल्स टू फोर, ए फोर नहीं है, देन दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक एंड इज अ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव. तो एनी क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव मीन्स ये मीन्स कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी नेगेटिव एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव. ये दो कंडीशन है, इन दोनों का कॉमन पार्ट जो होगा वो आंसर होगा. तो ए का मतलब यहां से तो ए वैल्यू आ गया फोर से कम होना चाहिए. अच्छा फिर डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव करो, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया फोर ए स्क्वायर माइनस के फोर, ए का मतलब ए माइनस फोर है, सी मतलब टू ए माइनस सिक्स शुड बी नेगेटिव, फोर से डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक क्या आएगा टू ए स्क्वायर माइनस टू ए, और यहां से कितना आएगा माइनस टू ए स्क्वायर आएगा माइनस के एट ए माइनस माइनस फोर्टीन ए प्लस ट्वेंटी फोर, और ये नेगेटिव हो गया. ओके तो यहां से कितना हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर्टीन ए और माइनस ट्वेंटी फोर, ये नेगेटिव हो गया. ए स्क्वायर माइनस फोर्टीन ए प्लस ट्वेंटी फोर, ये पॉजिटिव हो गया. तो यहां से जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, ट्वेल्व एंड टू टू ट्वेल्व, तो प्लस माइनस प्लस. तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन ट्वेल्व से इन्फिनिटी. तो ये वाला कंडीशन एंड ये वाला कंडीशन, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वही तो आंसर है. तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, ए लेस देन टू, ये आंसर हो जाएगा सिंपल. क्योंकि फर्स्ट केस से मुझे कुछ भी नहीं मिला है ना. सेकंड केस से जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा. अगर इसमें वर्ड क्वाड्रेटिक यूज होता है, अगर पहले क्वाड्रेटिक वर्ड लिखा होता है यहां पे, तो फिर हम ये केस लेते ही नहीं. तो ये हो रहा है इस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव ऑलवेज. अगेन क्वाड्रेटिक वर्ड इज नॉट यूज, सो वी हैव टू कंसीडर वन केस व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो एंड अनदर केस इज व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो. सो केस फर्स्ट इज के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देन के इज इक्वल टू टू. ओके व्हेन के इज इक्वल टू टू इट विल बी एट एक्स प्लस सिक्स शुड बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. क्या ऐसा ट्रू है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा? तब तो के का वैल्यू टू एक्सेप्टेबल है. तो ये तो नहीं पॉसिबल है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है. ये तो एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, कभी नेगेटिव भी होगा कभी पॉजिटिव भी होगा. सो केस सेकेंड इज वेन के माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो,
when k minus 2 not equal to 0 is definitely a quadratic, and any quadratic is always positive. Means situation like a positive means k minus 2 should be positive, first condition, and discriminant should be negative. Okay, so k greater than 2, and second condition is discriminant negative. Discriminant negative means 64 minus 4k minus 2 into k plus 4 negative. Okay, 4 से डिवाइड किया, 16 माइनस के स्क्वायर, और ये प्लस कितना आ जाएगा, 2k, एंड माइनस 8 नेगेटिव. ओके, तो यहां से देखो कितना आएगा, माइनस के स्क्वायर और माइनस 2k और प्लस 24 नेगेटिव. मींस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 पॉजिटिव. अच्छा, यहां से क्या फैक्टर आएंगे, यहां से फैक्टर आएंगे मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस 24, मतलब एक आ रहा है माइनस 4, एक आ रहा है एक माइनस 6, एक 4, एक माइनस 6, एक 4, तो प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस. तो k का वैल्यू क्या आ रहा है, यहां से माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी. ओके, अब एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है k ग्रेटर देन 2. अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो आंसर होगा, तो कॉमन पार्ट क्या आने वाला है, गेस 4 से ग्रेटर होगा. देख लो, ये कह रहा है 2 से ग्रेटर, ये कह रहा है 4 से ग्रेटर, या फिर माइनस 6 से कम, तो दोनों पार्ट कॉमन क्या आएगा, 4 से ग्रेटर. तो 4 से ग्रेटर है k का वैल्यू, तो इसमें लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k कितना है, 5. लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू 5, क्योंकि जो 4 है वो एक्सेप्ट इंक्लूडेड नहीं है, है ना, 4 के बाद 4 ओपन में है, तो पहला जो इंटीग्रल आएगा फर्स्ट वो क्या आएगा इस इंटरवल में, 5 आएगा. तो ये आंसर, केस 1 से तो कोई आंसर था ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सी पॉजिटिव एंड ए क्वाड्रेटिक डजंट हैव रियल रूट्स, देन प्रूव दैट दिस वन एंड दिस वन. सो क्वाड्रेटिक गिवन है जिसका रूट्स रियल नहीं है. अब कोई भी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स रियल नहीं है, इट मींस इट डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव. इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव मींस द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज एंटायरली पॉजिटिव और एंटायरली नेगेटिव. देखो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c, ये जो एक्सप्रेशन है अगर ये इसके रियल रूट्स ही नहीं है तो फिर इसका तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है. अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एंटायरली या तो पॉजिटिव होगा या फिर एंटायरली नेगेटिव होगा. या तो ऐसे बनेगा ग्राफ या फिर ऐसे बनेगा ग्राफ, या तो ऐसे आने वाला या फिर एंटायरली ऐसे आने वाला. अब ए के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, अगर ए पॉजिटिव होता तो ये होता, ए नेगेटिव होता तो ये होता, ये तो पता ही नहीं है. बट उसने सी दिया है, देखो ये क्वेश्चन में. अब सी पॉजिटिव है तो यहां से आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है इन दोनों में से. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जैसे सपोज मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c, 3c है एक्चुअली, ये 3c है. ओके, तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, यहां से एफ ऑफ जीरो आ जाएगा 3c, जो कि पॉजिटिव है. सी तो पॉजिटिव है, तो यानी जीरो पे जो वैल्यू आ रहा है वो तो पॉजिटिव है. तो यहां तो एंटायरली नेगेटिव आ रहा है या एंटायरली पॉजिटिव आ रहा है. तो जीरो पे पॉजिटिव आ रहा है मीन्स ये वाला केस होगा, यानी ये वाला सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन नहीं. तो इसका मतलब मुझे पता चल गया जो एफ एक्स है दैट शुड बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ये स्टेटमेंट तक पहुंच गया मैं कि जो फंक्शन है वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा डेफिनेटली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए. अब ये वाले एक्सप्रेशन को अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये ए माइनस 2b प्लस 3c पॉजिटिव होगा, मुझे तो ये पता है कि ये पॉजिटिव है ऑलवेज, कुछ भी रख दो इसमें ये पॉजिटिव ही आएगा. तो इसमें ऐसा क्या पुट करोगे कि ये आ जाए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो बस, क्योंकि ये तो किसी भी एक्सपर्ट ट्रू है, ये तो किसी भी एक्सपर्ट ये पॉजिटिव है. तो देखो, अगर मैं एक्स का वैल्यू जैसे यहां पे रखते हैं, जैसे देखो इसको देखने भी समझ में आ रहा है कि ये कब अटेन होगा इसमें माइनस वन रखने पर, तो माइनस वन पे भी तो पॉजिटिव आएगा, एफ ऑफ माइनस वन भी पॉजिटिव होगा, तो कुछ भी पॉजिटिव होगा. लेकिन माइनस वन रखने पर इसमें ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल रहा है, ए माइनस 2b प्लस 3c विल बी पॉजिटिव, यहां से प्रूव हो रहा है. अच्छा, अब सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है कि वहां ए प्लस 4b प्लस 12c पॉजिटिव, ये प्रूफ करना है मुझे.
और मुझे ये पता है कि जो ए एक्स स्क्वायर एफ एक्स फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस थ्री सी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इसमें क्या पुट करें कि ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाए। तो देखो अब यहां पे एक्स का तुम कोई भी वैल्यू रखोगे सपोज, तो अब एक्स में तो ये डिस्टर्ब हो रहा है, ये तो टर्म डिस्टर्ब ही नहीं होगा सी है, तो ये तो तभी हो सकता है जब इसमें मल्टीप्लाई हो कुछ, जैसे यहां पे कुछ अगर फ्रैक्शन रखू मैं तो वो जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिस्टर्ब होगा। तो फिर अब थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा कि एफ ऑफ वन बाई टू रखने पर देखो क्या आएगा, ए बाई फोर प्लस बी प्लस थ्री सी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, वो तो कोई भी वैल्यू पे भी पॉजिटिव है, तो ए प्लस फोर बी प्लस ट्वेल्व सी अपॉन फोर ये पॉजिटिव होगा, तो यहां से ये मिल गया ए प्लस फोर बी प्लस ट्वेल्व सी पॉजिटिव। ये देखो क्योंकि ये तो फोर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस मतलब एक क्वाड्रेटिक अगर मुझसे बोला जा रहा है कि एक इसके रूट्स अगर रियल नहीं है तो वहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि वो एक्सप्रेशन या तो एंटायरली पॉजिटिव है या फिर एंटायरली नेगेटिव है, फिर वो डिपेंड करेगा कि ए क्या है, बट ए गिवन नहीं है तो सी गिवन है, तो सी पर टोटली ये सी पर डिपेंड कब करेगा, जीरो पर, जब जीरो रखेंगे तो जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये वाला पोजीशन है, यानी दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब उसमें क्या वैल्यू रखने पर ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन प्रूफ होते हैं, बस वही रह गया फिर, बाकी वही देखना। ओके okay.